हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। सीएए को लेकर देश भर में हुई हिंसा के बाद अब योगी के मंत्री लोगों की भ्रांतियां दूर करने में जुटे हैं। आज बुलंदशहर के प्रभारी व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों की भ्रांतियां दूर की। अशोक कटारिया बोले, नागरिकता संशोधन कानून देश के शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। अशोक कटारिया ने कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी पर सीएए को लेकर नौजवानों को भड़काकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया और दावा किया कि माहौल बिगाड़कर नव युवकों पर मुकदमा दर्ज कराने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आज समूचे उत्तर प्रदेश में गोष्ठियां, परिचर्चाएं, संविमर्श, पत्रकार वार्ताएं सारे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में है। इसमें हर जिले में हमारे आज कोई ना कोई कार्यक्रम है और कोई ना कोई नेतृत्व है। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्षी दलों ने एक भ्रम फैलाया है और समाज जीवन के एक विशेष वर्ग को भ्रमित करने का काम किया है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए, उसको साफ करने के लिए ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और हम अपने बंधु बांधवों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम ये किसी की नागरिकता लेने का अधिनियम नहीं है, ये नागरिकता देने का अधिनियम है। एक तो ये क्लियरिटी रहे हम सबको कि ये किसी एक नागरिक की भी नागरिकता नहीं लेगा, यह कुछ लोगों को नागरिकता देगा और ऐसे लोगों को नागरिकता देगा जो पड़ोसी मुल्कों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जिनका उत्पीड़न किया गया, जिनको पीड़ित किया गया, जिनको मारा गया, जिनको कुचला गया, जिनके घर लूटे गए, जिनकी बहु बेटियों को अगवा किया गया और जो वर्षों से यहाँ 2014 से पहले हिंदुस्तान में शरणार्थी बनकर रह रहे थे, टेंटों में अब जीवन जी रहे थे, एक तरह से करोड़ों के संपत्ति को छोड़कर यहाँ चले आए थे अपनी जान बचाकर और यहाँ भी उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, ऐसे लोगों के बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, उनको नागरिकता मिल पाएगी और उनको भी जीने का एक मुकम्मल हक मिल जाएगा। यानी ये वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये इसी आधार पर हमने अपने बंधु बांधवों को नागरिकता देने का काम कर रहे हैं कि वो उनका प्राचीन मुल्क है भारत, वो अपने देश में आ सकते हैं और नागरिकता पूर्वक, सम्मान पूर्वक रह सकते हैं। मंत्री जी, आपने कहा कि युवाओं को जो विपक्षी दल है वो भड़का रहे हैं ताकि वो उनके कार्यकर्ता बने। मैंने कहा 18, 20, 22 साल के लड़के अगर प्रेस की गाड़ियां जलाएंगे, ओबी वैन जलाएंगे, आग लगाएंगे, बसों में आग लगाएंगे और वो तमाम जो चौराहों पर कैमरे लगे हैं उन कैमरों में कैद हो जाएंगे तो उन पर मुकदमे लाद दिए जाएंगे और जब उन पर 18-20 साल के लड़कों पर मुकदमे लग जाएंगे तो वो हमारे लड़के कहाँ से इंजीनियर बन पाएंगे, कहाँ से डॉक्टर बन पाएंगे, कहाँ से IAS बन पाएंगे, कहाँ से IPS बन पाएंगे, कहाँ से वो प्रोफेसर बन पाएंगे। और अगर नहीं बन पाएंगे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो यही चाहते हैं कि वो नौकरी कर नहीं पाएंगे तो सीधे सीधे सपा के वर्कर बन जाएंगे, बसपा के वर्कर बन जाएंगे। वो उनको आर्थिक उन्नति की तरफ बढ़ाना ही नहीं चाहते, बढ़ने ही नहीं देना चाहते, वो समाज के एक तबके को आगे ले जाना ही नहीं चाहते, वो उनको केवल अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, नहीं तो क्यों भड़काया उन्हें, जब मुद्दा ही नहीं है कोई, जब गुनाह ही नहीं हुआ और ये क्यों बता दिया गया कि गुनाह हो गया है। सर, क्या इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करके विपक्ष अपनी जमीनी की वो तैयार कर दी है विधानसभा की जमीन? कुछ नहीं, इसको झूठा, झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ खुल गया कुछ दिनों बाद। मैं आपको कह रहा हूँ, झूठा प्रचार भ्रम इसलिए वो फैला रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, विकास का मुद्दा नहीं बचा है। माननीय मोदी जी ने गांव गली गलियारों का, चौराहे चौबारों का इतना विकास करा दिया है, एक गांव में 300-300 शौचालय खुलवा दिए, एक गांव के अंदर 20-20, 30-30 पक्के मकान बनवा दिए, एक गांव में 150-150, 200-200 उज्ज्वला योजना के गैस के कनेक्शन मोदी जी ने बंटवा दिए, एक गांव के अंदर कम से कम 50-50, 100-100 आयुष्मान योजना के 5 लाख रुपए के निःशुल्क कार्ड वितरित करवा दिए माननीय मोदी जी ने। मोदी जी ने गांव गांव में विकास की गंगा बहा दी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़।
टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का।